हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? एकदम अच्छे हैं। मान लीजिए पीरियड की बेल लगी, आप पानी पीने गए हुए थे और पानी पी के जब आप क्लास में आने वाले थे अंदर, टीचर ऑलरेडी क्लास में पहुंच चुके। टीचर क्लास में, आप दरवाजे पे, बिना टीचर की परमिशन के आप अंदर नहीं आ सकते। कैसे करेंगे? आपको परमिशन लेनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे May I come in? May I come in? In यानी अंदर। उसके बाद आप अंदर आ जाएंगे? नहीं, आपको रुकना है बाहर। अभी तो आपने अंदर आने की आज्ञा मांगी है। आज्ञा मिल गई क्या? आज्ञा नहीं मिली है। आज्ञा मिलेगी जब टीचर बोलेगा या बोलेंगी, यस यू कैन। यस You can। आप अंदर आ सकते हैं। अगर ने टीचर ने कह दिया नो यू कांट, तो आप अंदर आ जाएंगे क्या? नहीं। इस चीज को ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। परमिशन मांगी, मिली कि नहीं, उसका कोई वेट नहीं और वो तुरंत अंदर आ गया। अगली बार आपको क्लास में अगर अंदर आना है, आप क्या करेंगे? आप दरवाजे पे रुकेंगे, वहां से पूछेंगे मे आई कम इन मैम या सर। अगर आपके टीचर ने कहा यस यू कैन, तो आप अंदर आएंगे। और अगर उन्होंने कह दिया नो यू कांट, तो आप अंदर नहीं आएंगे। वेट करेंगे जब तक कि वो आपको अंदर ना बुलाए। मान लीजिए क्लास से आपको बाहर जाना है, क्लास से आपको बाहर जाना है, कैसे बोलेंगे? मे आई गो आउट, मे आई गो आउट। आपका जब तक आपको टीचर परमिट ना करें, यस यू कैन, तो आप बाहर जा सकते हैं। और अगर टीचर ने कह दिया नो यू कांट, तो आप चले जाएंगे बाहर? नहीं जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको परमिशन मिली है कि नहीं। आप आज्ञा मांग रहे हैं, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। ये नहीं है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आपने बोला मे आई कम इन और आप अंदर आ गए, आपने बोला मे आई गो आउट और आप बाहर निकल गए। वेट, लिसन टू योर टीचर, व्हाट शी सेज और व्हाट ही सेज।
If she says, yes, you can, you can. If she says, no, you can't, then you can't. अगर उन्होंने कह दिया, आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, तो आप उस बात को कीजिए, अगर मना कर दिया, तो नहीं. इसी तरह से हम आपको आज सिखा रहे हैं मे का इस्तेमाल. आपको परमिशन लेने के लिए मे सिखा रहे हैं. सीकिंग परमिशन. परमिशन यानी आज्ञा. आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए. इसी तरह से मान लीजिए आपको अपने दोस्त की साइकिल चाहिए. कैसे बोलेंगे उसको? मे आई टेक योर bicycle. जवाब वही होगा, yes you can या no you can't. ले सकते हो या नहीं ले सकते हो. आपको अपने दोस्त का कोट चाहिए, कैसे बोलेंगे? May I take your कोट. आपको अपने दोस्त की पेंसिल चाहिए, कैसे बोलेंगे? May I टेक योर पेंसिल. आपको अपने दोस्त का अपने दोस्त की कॉपी देखनी है, कैसे बोलेंगे? आपको परमिशन लेनी है. May I see your notebook या notebook भी बोल सकते हैं या आप कॉपी भी बोल सकते हैं. वो परमिशन कैसे देगा? Yes you can, no you can't. इसी तरह से आपको किसी की मदद करनी है, ठीक है? आप मदद करना चाह रहे हैं. आपने देखा कि एक बच्ची की साइकिल, पानी बहुत तेज गिर रहा है और बच्ची की साइकिल जो है उसका जो सामने का चक्का है वो कीचड़ में धंस गया है. बच्ची उसको निकाल नहीं पा रही है. आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप कैसे बोलेंगे? May I help you? May I help you? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? इसके अलावा किसी भी प्रकार की अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसी तरह से मे का इस्तेमाल करते हुए करेंगे. आप किसी की वाटर बॉटल, आपको बहुत प्यास लगी है, आप वाटर बॉटल लेके नहीं आए हैं, आप कैसे बोलेंगे? आपको दूसरे के वाटर बॉटल से पानी चाहिए. May I ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर वॉटर बॉटल. फ्रॉम का मतलब से, तुम्हारी वॉटर बॉटल से मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं. May I drink water? मान लीजिए आपकी टीचर पढ़ा रही हैं और अचानक आपका
आपका गला सूखने लगा और आपको बहुत जोर से प्यास लगी। अब बिना टीचर की परमिशन के आप क्या उठा के पानी पी सकते हैं? कैसे पूछेंगे आप? मे आई ड्रिंक वॉटर मैम? और आपको परमिशन मिलेगी, यस यू कैन, तो आप फिर पानी पी सकेंगे। मान लीजिए आप किसी दूसरी क्लास में गए, वो आपकी कक्षा नहीं है, वो आपके सीनियर स्टूडेंट्स की कक्षा है, आप बैठना चाहते हो, आप कैसे बोलेंगे? आपको बैठना है, आप पूछेंगे ना, कैसे पूछेंगे? मे आई सिट हियर? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? यस यू कैन, तो आप बैठ जाएंगे। और अगर उन्होंने मना कर दिया, नो यू कांट, तो आप नहीं बैठेंगे। मे आई सी योर वॉच? क्या मतलब हुआ? क्या मैं तुम्हारी घड़ी देख सकता हूं? यस यू मे, यस यू कैन, मे से ज्यादा कैन बोला जाता है, यस यू कैन। और तब आप देखेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे? अगर बोल दिया गया नहीं, आप नहीं देख सकते, नो यू कैंट, तो आप नहीं देखेंगे। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? ये लाइन सुनी है? क्लास में बहुत हल्ला हो रहा है, क्लास मॉनिटर को कुछ बताना है पूरी कक्षा को, तो वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बोलता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? क्या आप मेरी बात पे ध्यान देंगे? मैं आपका ध्यान चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो वो बोलेगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? तो सबके सब शांत। ठीक है, एक बार इन सेंटेंसेस को मेरे साथ बोलेंगे। मे आई हेल्प यू? मे आई हेल्प यू? मे आई ड्रिंक वॉटर फ्रॉम योर वॉटर बॉटल? मे आई ड्रिंक वॉटर? मे आई सिट हियर? मे आई सी योर वॉच? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? अटेंशन का मतलब ध्यान। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से। अब आइए हम इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं। लेट्स डू इट में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपको मैं कुछ क्लूज दे रही हूं यहां, जैसे सी मोबाइल फोन्स, ड्रिंक वाटर, हैव बिस्किट्स, यूज रेड पेन, टेक कोट, सिट चेयर। ठीक है, आपको कैसे बोलना है? मे आई सी योर मोबाइल फोन? लिखना है, बोलना नहीं है। लेट्स डू इट। मे आई सी योर मोबाइल फोन? मे आई drink water? May I have your biscuits? क्या मैं तुम्हारे biscuits खा सकता हूँ? भूख लगी हुई है। May I use your red pen? May I take your coat? May I sit on a chair? इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब let's speak में, ये तो पहले आप let's do it में करेंगे ये exercises सारे बच्चे बिना किसी की नकल मारे। अब आपको लेट्स स्पीक में दो दो बच्चे जोड़ी बना के बैठ जाएं, सारे बच्चे पेयर्स में आ जाएं।
और आपको अपने दोस्त की किसी चीज को उठा के पूछना है, मे आई टेक दिस, मे आई टेक योर पेन, मे आई सी योर बुक, मे आई यूज योर पेंसिल, मे आई सी योर बैग, कोई भी मे से आपको एक क्वेश्चन अपने दोस्त से करना है और आपका दोस्त जवाब देगा यस ऑफ कोर्स यू कैन या यू कैन सॉरी यू कांट, यस यू कैन नो यू कांट, ठीक है, ऑफ कोर्स वगैरह तो आप पहले सीख चुके हैं, यस यू कैन नो यू कांट, है ना। और फिर उसके बाद आपके दोस्त का टर्न होगा, वो आपसे कोई चीज पूछेगा, मे आई टेक योर बुक पेंसिल वॉच स्केल एनीथिंग, और आपको उसको जवाब देना है यस यू कैन नो यू कांट। सो रेडी, सारे बच्चे बोलेंगे एक एक क्वेश्चन और एक बार आंसर, जब तक कि पूरी कक्षा का ये टर्न कंप्लीट नहीं होगा, आपका लेट्स स्पीक का पार्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सी इन द नेक्स्ट क्लास।